नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। इस वक्त हर जगह टोक्यो ओलंपिक की चर्चा हो रही। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है और भारत में मेडल आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको याद दिला दें कि इसकी शुरुआत मीराबाई चानू ने की। उन्होंने देश के लिए वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। भारत के खाते में वेटलिफ्टिंग में 21 साल बाद मेडल आया। उनसे पहले साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक पर हर भारतवासी टकटकी लगाए बैठा। उम्मीद है कि इस बार भारत के खाते में कई मेडल्स आएंगे। भारत की बेटियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूं तो ओलंपिक को लेकर हर तबके में क्रेज देखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ओलंपिक से जुड़ी जानकारी होगी। इसी से जुड़ी एक बहुत अहम जानकारी आज हम आपको इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। ये जानकारी है ओलंपिक रिंग को लेकर। क्या आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया है कि आखिर ओलंपिक में नजर आने वाली ये 5 अलग अलग कलर की रिंग्स क्या दर्शाती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल ओलंपिक रिंग में 5 रंग दिखाई देते हैं, जिनमें नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग शामिल है। ये 5 रंग वैश्विक स्तर पर ओलंपिक खेलों का प्रतीक माना जाता है। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के ऑफिस के बाहर लगी इन रिंग्स की संरचना बारोन पियरे डी काउबर्टन ने की थी। उन्होंने ही 1912 में इन रिंग्स को डिजाइन किया था। दरअसल इस वक्त ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों के झंडों को आधार बनाकर इन रिंग्स को तैयार किया गया था। फिर 1914 में बड़ा बदलाव हुआ। 1914 में वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक रद्द हुआ और फिर इसका इस्तेमाल पहली बार साल 1920 में आयोजित बेल्जियम ओलंपिक के दौरान किया गया। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने रिंग्स को नई व्याख्या दी और इन्हें महाद्वीपों के प्रतीक के तौर पर जाना जाने लगा। वैसे तो किसी बुकलेट में इसको किसी महाद्वीप से ऑफिशियल तौर पर जोड़े जाने का जिक्र नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि नीला यूरोप का, पीला रंग एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया ओसियाना को और लाल रंग अमेरिका का प्रतीक है। ये फैसला पूरी दुनिया में एकता का संदेश देने के मकसद से किया गया था। आपको इस जानकारी पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।